नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आज फिर से एक नया वीडियो लेकर अपने YouTube चैनल के ऊपर में। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपको मेरा रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और मैं कोशिश करता हूं हमेशा कि जो भी बातें मैं आपको बताऊं वो आप उसको अपने लाइफ के अंदर में, नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ के अंदर में आप उसको यूटिलाइज कर सके। और ये सारी बातें जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं ये कहीं ना कहीं हमने किया है, ये हमारे लास्ट कई सालों का एक्सपीरियंस है जो निचोड़ कर मैं आपको टू द पॉइंट देने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहली आज जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत बेहतरीन होने वाला है, और इस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग करके भी मैंने अपने चैनल के ऊपर में वीडियो डाला है, जो कि आई बटन के ऊपर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो तक यहां तक देख चुके हैं तो मैं कहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और शायद जो मैं मैसेज ट्रेनिंग के माध्यम से आपको देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, शायद आप तक पहुंच पाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको बताने की जरूरत नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिस व्यवसाय के अंदर में अगर बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट के नाम पर कुछ नहीं लगता, और एक अच्छी लाइफ जो आप सोचते अपने जीवन के अंदर में करना, जिस तरीके का भी सपना आपका होता है उस सपने को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग से पॉसिबल है। और आज के दौर में जिस जो हालात बनी हुई है जॉब का, जो हालात बनी है सोर्स ऑफ इनकम, तो मैं कहूंगा कि उस जगह पे उसकी बदली नेटवर्क मार्केटिंग बहुत आसान है और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। तो कम टू द पॉइंट पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। तो आज का दो टॉपिक है, सबसे पहली टॉपिक जो है प्रोस्पेक्टिंग और गेस्ट लिस्टिंग जो बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के अंदर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोस्पेक्टिंग और गेस्ट लिस्टिंग जो है वो कैसे करना है, क्या करना है, समझिएगा। ये गेस्ट लिस्टिंग और प्रोस्पेक्ट लिस्टिंग जो है होता है वो आप बहुत आसान से बना सकते हैं, लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना, जानते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग का जो लिस्ट है और गेस्ट का जो लिस्ट है दोनों सेम टॉपिक है, इसका लिस्ट वो क्या करते हैं अपने दिमाग के भरोसे छोड़ देते हैं कि मेरे दिमाग में वो याद है, वो बंदे को ज्वाइन कराना, उसको कराना है, ऐसे कराना है, वो याद है। तो उस जो आपको याद है ना उसको याद नहीं रहने दीजिए, उसको अपने डायरी पे नोट डाउन करिए या फिर A4 साइज के ऊपर में लिस्ट बनाइए। अब उस लिस्ट में ध्यान क्या देना है कि उस लिस्ट में आप बनाएंगे कैसे, एक प्रोफॉर्मा के ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से बनाएं। एक साइड में नेम लिख लें, उसके बाद फिर ऑक्यूपेशन लिख लें, उसके बाद नंबर लिख लें, और उनका ट्रस्ट लिख लें कि उस बिजनेस के ऊपर में ट्रस्ट कितना है, किस तरीके से उनके जीवन में ये बिजनेस अगर जाएगा तो वो किस तरीके से यहां से इनकम कर सकते, किस तरीके से अपने ड्रीम को पूरा कर सकते। ये सारी चीजों को एनालाइज करके आप इस लिस्ट को बना लें, और बनाने के बाद सबसे अहम चीज क्या करना है कि बनाने के बाद इस लिस्ट को तीन भाग में बांटना है, इनको तीन पार्ट में डिवाइड करना। सबसे पहला पार्ट जो होगा वो होगा हॉटलिस्ट, जिसको हॉटलिस्ट हम किसको कहते हैं, जो बंदा प्लान देखने के साथ या जो बंदा अपने जीवन में कुछ मतलब चीजों को पता लगने के बाद ही डिसीजन लेने को रेडी हो जाता है, दैट इज द हॉटलिस्ट। वो हॉटलिस्ट को फोकस करना है सबसे पहले। दूसरा जो बनाना है वो वार्म लिस्ट बनाना है, और तीसरा जो बनाना है वो कोल्ड लिस्ट बनाना है। थोड़ा सा दूसरी लिस्ट की बात मैं कर लूं, वार्म लिस्ट मतलब उस बंदे को करना है, अपने जीवन में कुछ करना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग से ही कुछ करना चाहता है, ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस से कुछ करना चाहता है, ये जरूरी नहीं है कि वो जॉब से कुछ करना चाहता है, लेकिन उसको करना है। तो उस तरीके के लिस्ट को हम बोलते हैं वार्म लिस्ट। आप उसको नेटवर्क मार्केटिंग की गहराई बताएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, तो हो सकता है वो डिसीजन लेगा। मतलब कहते हैं ना कि इस तरीके के जो लिस्ट होते हैं ना उसको थोड़ा सा पुश करना पड़ता है, पुश करेंगे तो वो कन्वर्ट होता है हॉट लिस्ट में, और वो हॉट लिस्ट कन्वर्ट होता है रिजल्ट के अंदर में। और तीसरी लिस्ट की जो बात मैं कर रहा हूं, जो कोल्ड लिस्ट कहते हैं ना, जो मरा हुआ इंसान होता है, मतलब मेरे हिसाब से वो इस तरीके का इंसान है कि अगर आप उनको प्लान दे दिए और हां बोल दिए तो वो भी हां बोल दिया, आपने प्लान दिया, आपने बोल दिया यार ये तो बेकार है, इसमें नहीं हो सकता, तो वो भी बेकार बोल दिया, वो भी नहीं हो सकता। मतलब वो ऐसा लिस्ट होता है ना कि आपके कहे अनुसार उसकी डिसीजन कन्वर्ट होते, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, तो इसको बोलता हूं मैं कोल्ड लिस्ट। तो इस तरीके से तीन लिस्ट में विभाजन करके जब आप डे वन से शुरू करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को काम करना शुरू करते हैं, तो अपने जो लिस्ट बनाने में जो भी चीजों का मदद लेते हैं, जैसे बहुत सारी जगहों में देखा होगा, बहुत सारे वीडियोज में बताया गया है कि फ्रेंड्स एक टॉपिक है, फ्रेंड्स के ऊपर में आप उससे कोरिलेट कर ले सकते हैं, फैमिली रिलेटिव नेवर्स, उसके बाद फिर अपने दोस्त डॉक्टर्स, फिर उसके बाद अपने जो सराउंडिंग के सोसाइटी के लोग हैं उनको, मतलब इसको अगर बनाने में मदद की बात मैं करूं तो आप अपने मोबाइल फोन का भी यूज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि आपके मोबाइल फोन में जितने लोगों का नंबर सेव है, आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में जितने लोगों का नंबर सेव है, वो लोग भी अपने जीवन में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वो लोग भी 6 डिजिट 5 डिजिट इनकम करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास भी उस तरीके की सटीक रास्ता एज लाइक
साइट नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है तो आप उनका भी लिस्ट शामिल कर सकते हैं। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अगर आप डिसाइड ये करने लगेंगे तभी आपका लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिक बहुत छोटा हो जाएगा। तो आपको डिसाइड नहीं करना है, आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से लोग पैसे कमा सकते हैं, लोग पैसे बना सकते हैं, तो आप बेहिचक उनको अपने लिस्ट में शामिल करें। और लिस्ट को आप इस तरीके से जैसा मैंने आपको बताया तीन पार्ट में डिवाइड कर लें और उस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करना शुरू कर लें। दूसरी चीज जो दूसरी लिस्ट की बात मैं कर रहा हूं, ये तो आप पहला लिस्ट कर लेंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना लेंगे या फिर गेस्ट लिस्ट इसको बोल सकते हैं आप बना लेंगे। दूसरी लिस्ट की बात मैं कर रहा हूं जो है ड्रीम लिस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। जब भी एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने वाले बंदों को उनको अपलाइन जब उनको ट्रेनिंग देते हैं और बताते हैं कि आपको क्या अचीव करना है, क्या सपने आप देखना चाहते हैं, जो पूरा करना चाहते हैं यहां से, उसकी लिस्ट बनाई, तो वो इसको हल्के में लेते हैं और वो नहीं बनाते। और यही वजह होता है ना कि वो हमेशा टाइम टू टाइम अपने फोकस से कन्वर्ट हो जाते हैं, फोकस्ड नहीं हो पाते। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको ड्रीम लिस्ट बनाना है। ड्रीम लिस्ट तीन तरीके से बनाना है, जैसा कि आई बटन पे मैंने जो वीडियो दिया है आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं पूरे विस्तार से कैसे ड्रीम लिस्ट बनाना है। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफली आपको बताता हूँ कि तीन तरीके से कैसे बनाना है। सबसे पहला लिस्ट जो बनाना है वो शॉर्ट टर्म ड्रीम लिस्ट बनाना है, जो कि शॉर्ट टर्म का इन द सेंस कि आपको 6 महीने में, अगले 6 महीने में, आज से आपने अगर नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत किया, अगले 6 महीने में आपको क्या अचीव करना है उसकी लिस्ट को आप शॉर्ट टर्म लिस्ट के अंदर में डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो बनाएंगे आप मिडिल टर्म ड्रीम लिस्ट, जिसके अंदर में आप समझ लीजिए कि आप 1 सालों के अंदर में, मतलब 12 से 18 महीने के अंदर में कौन से ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं उसकी लिस्ट उसमें डालिए। और तीसरा जो बनाएंगे वो लॉन्ग टर्म ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, जिसमें कि आप 3 से 5 सालों के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग से कौन से सपने को पूरा करना चाहते हैं। तो इस तरीके से ड्रीम लिस्ट के अंदर में आप बनाएंगे। और ड्रीम लिस्ट में एक चीज इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये कि जो भी ड्रीम बनाए वो ड्रीम आप एक बार सोच समझ के बनाएं और उसका डेट जरूर डिसाइड करें कि कौन से डेट को लेना है। ऐसा नहीं कि आपने ड्रीम लिस्ट बना दिया और ड्रीम लिस्ट में आपने डेट ही नहीं लिखा, जब पूरा हो जाएगा तब ले लेंगे, ऐसा नहीं। आपको डेट डिसाइड करना है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ड्रीम हो, चाहे वो मिडिल टर्म ड्रीम हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म ड्रीम हो, किसी में भी आप उसको डेट जरूर दें, क्योंकि डेट देने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपकी मानसिकता कुछ कर गुजरने की हो जाती है और आप ड्रीम पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज, ड्रीम कभी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएं। ऐसा नहीं कि सबसे पहला ड्रीम आपने लिख दिया कि मुझे एक स्कूटी लेनी है, फिर आपने ड्रीम में लिख दिया कि मुझे एक मोबाइल फोन लेना है, इस तरीके से नहीं, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब आपने सबसे पहले 1000 रुपए के कोई सपने है उसको पूरा करना है, फिर 1500 रुपए वाली सपने पूरे करने हैं, फिर 2.5, 3, 5, 10, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अपने सपनों के ड्रीम लिस्ट को बनाएं। तो ये दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर नहीं, मैं बोल सकता हूं कि 99% लोग नहीं करते, इसको हल्के में लेते हैं। याद रखिए, हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है आप बहुत जी जान लगा के काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी छोटी छोटी चूक हो जाती है ना जिसकी वजह से सफलता आप तक जितना आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। और हो सकता है जब बाद में आपको पता चले, जब आप काउंसलिंग में अपने अपलाइन के साथ बैठे और बातें करें और जब आपके अपलाइन आपको सिर्फ ये दो छोटी त्रुटि आपके अंदर में निकाल देता है, दो छोटी बातें आपके बारे में बता देता है कि आप नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका फोकस नहीं हो पा रहा है बिजनेस के ऊपर में, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि किस प्रोस्पेक्ट को टच करना है, किसको कब टच करना है, कौन से ड्रीम को कब पूरा करना है, ये फोकस नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से। और मुझे लगता है कि जब आप ये बातें साल 1.5 साल 2 साल काम करने के बाद उस तरीके से जब सक्सेस नहीं हो पाएंगे और जब काउंसलिंग मीटिंग के अंदर मैं अपने अपलाइन के साथ डिस्कस कर रहा हूं, जब अपलाइन आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ ये दो छोटी गलतियों की वजह से आप जो चाहते हैं, आप जिस तरीके का डिजर्व कर रहे हैं काम के माध्यम से, शायद उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह जब आपको पता चलेगा तो बहुत अफसोस होगा और तब याद आएगा इस वीडियो के बारे में कि शायद राजीव रंजन जी ने अपने वीडियो के माध्यम से ये बात बताया था और मुझे करना चाहिए था। और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से बहुत लोगों को समझ में आया होगा कि दो छोटी छोटी कामें करना कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, अपने नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर को एक आयाम देने के लिए, एक पहचान देने के लिए, एक बड़ा लेवल तक पहुंचाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप ये सारी चीजों को समझ चुके होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो में जुड़ने के लिए और मेरी बातों को ध्यान में रखकर काम करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट।